हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम विनय मिश्रा है और आज हम इंग्लिश के बारे में ऐसे सवालों को लेकर हम ना चर्चा करने वाले हैं जो ऐसा लगता है दिखती बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसे बहुत ही आसानी पूर्वक इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट हम अगर देखें तो बच्चों के दिमाग में हमेशा ये पाया जाता है कि सर जो ग्रामेटिकल एरर होते हैं उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए। इसे सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है अगर आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानते हों। अब सवाल ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट क्या है, इसे कैसे सॉल्व करना होता है, तो मैं इसे आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ और फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन उठाते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट इज अ ड्यूअर कहलाता है, है ना। ये दिस इज कॉल्ड ड्यूअर, बट दिस इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। अब ये करता क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे घर का मालिक हमारे फादर होते हैं या मदर होती हैं, वैसे ही वाक्य का मालिक कौन होता है, वो होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हर वो शब्द सब्जेक्ट कहलाता है जो क्या करता है, वाक्य की शुरुआत करता है। ओके, अगर आपको है ना सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत हो रही हो तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे शब्द जो वाक्य की शुरुआत करते हैं उन्हीं को ही हम कर्ता के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, अब दूसरी बात जो है यहां पर है वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब दैट इज मींस क्रिया, और इनके बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, है ना। अब इस एग्रीमेंट को भी समझते हैं। तो बोला गया कि कर्ता और क्रिया के बीच में एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट मतलब समझौता होता है। क्या समझौता है, सिंपल सी समझौता यह होता है कि देख, अगर सब्जेक्ट की संख्या होती है सिंगुलर तो वर्ब होना चाहिए सिंगुलर, है ना। कैसे, जैसे अगर हमने यहां पर डिफाइन किया जाए कि सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर की परिभाषा क्या होती है, अधिकतर लोग है ना सिंगुलर की परिभाषा में कंफ्यूज रहते हैं, सर सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है ऐसा शब्द जो अपना संख्या जीरो से एक तक ले जाए, है ना। अगर मान लीजिए अगर मैं सिंगुलर बोलूंगा तो इसे इसका मतलब ये है कि जो अपनी संख्या जीरो है या जो अपनी संख्या जीरो दर्शाता है और वो जीरो से एक के बीच में पाया जाता है उसे ही हम सिंगुलर माना जाता है या उसे हम सिंगुलर कहते हैं। इसी तरह प्लूरल की टर्म्स क्या होती है, प्लूरल की परिभाषा क्या होती है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे शब्द जो अपनी संख्या क्या करते हैं, एक से अधिक दर्शाते हैं। अगर ऐसा शब्द जो अपनी संख्या एक से अधिक दर्शाए वो क्या कहलाता है, वो प्लूरल कहलाता है। तो आप समझते हैं, देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमेशा याद रखिए कि उसके साथ हमेशा हम जो वर्ब लेते हैं वो कैसा होता है, वो सिंगुलर होता है। इसी तरह एक चीज और समझिए, अगर सब्जेक्ट है कैसा, अगर वो होता है प्लूरल, तो हमेशा हमें जो वर्ब लेना होता है वो होता है प्लूरल। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में बच्चे ये समझते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में समझौता है, लेकिन यह समझौता केवल सब्जेक्ट या वर्ब के बीच में नहीं है, ऐसे हर उस वर्ड्स पर है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मूव करता है। बच्चों को अधूरी नॉलेज मिलती है। अगर इसे पूरा किया जाए तो इसका मतलब क्या था, इस लॉजिक को समझिएगा। इस लॉजिक का सीधा सीधा मतलब यह था कि सेंटेंस का जो बॉस है वो होता है सब्जेक्ट, और बॉस कहता है आप सेंटेंस में कोई भी चीज अगर आप ऐड करते हैं या यूज करते हैं तो वो हमेशा बॉस के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। इज मीन दैट एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट। अब एक चीज हमें हमेशा याद रखिएगा, हर चीज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाक्य में प्रयोग की जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगाया जाता। अगर ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो बच्चों ध्यान रखिए, अगर मैं सब्जेक्ट आई हूं और मैं अपनी एंडिंग मी पे करूंगा तो सेंटेंस कैसा लगेगा, आई एम टीचिंग मी, क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि मैं अपने आप को नहीं पढ़ा सकता ना, तो मेरा सेंटेंस कहना चाहिए आई एम टीचिंग यू इज अ मीन दैट सब्जेक्ट अलग होगा और ऑब्जेक्ट अलग होगा। तो ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट कभी भी सब्जेक्ट के हिसाब से प्रयोग में नहीं लाया जाता। अब चलिए समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमेशा याद रखिए आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रखनी है, लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगी। दिस अ फर्स्ट कॉन्सेप्ट। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, फिर वहां पर क्या आएगा, वहां पर मेन वर्ब आएगा। तो वहां पर ध्यान रखिए अगर मेन वर्ब आता है तो जैसे बॉस ने क्या बोला था, अगर मैं सिंगुलर हूं तो यहां पर मेन वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और अगर बॉस कैसा है, अगर वो प्लूरल है, बॉस मींस अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब भी प्लूरल होगा। अब आगे की कहानी और लेके चलते हैं। जो चौथा करेक्टर हम यहां पर यूज करने वाले हैं वो है पजेसिव केस। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव के अंदर जैसे his, my, no, your, their, our, ये जो वर्ड्स होते हैं ये पजेसिव कहलाते हैं। ये भी हमें यही कह रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो पजेसिव यहाँ पर सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर पजेसिव प्लूरल होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। द फोर्थ वन विच इज मीन रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव केस क्या है इसे भी समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव जैसे myself, yourself, himself, herself, ये रिफ्लेक्सिव केस कहलाते हैं। और ये भी हमसे यही कह रहे हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या रखिए, सिंगुलर रखिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल रखिए। तो आप क्या समझे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का मतलब केवल वर्ब से नहीं था, वो हर उस वर्ड से था जो उस सेंटेंस में लगाया जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, और अगर आप ये ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पे इसे देखते हैं, है ना, क्या ये वाकई सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेट्स सी, द क्वेश्चन इज द टाइम्स, The Times of India says that our office will be closed on Sunday next. Okay, तो बच्चों ये एक सवाल है ना। अब अगर देखा जाए इसे, है ना, ग्रामेटिकल एरर बना ही देते हैं, है ना। चलिए आप भी मेरे साथ सॉल्व करिएगा। हम इसकी पहली ब्रेकिंग जो दे रहे हैं वो कहां पर दे रहे हैं, द फर्स्ट ब्रेक दिस ए, द सेकेंड ब्रेक इज बी, एंड सी इज अ थर्ड ब्रेक, और जो लास्ट हम ऑप्शन रख रहे हैं वो नो एरर है। जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करते हैं उन्हें पता होता है कि नो एरर का मतलब क्या होता है। अगर सेंटेंस में कोई गलती नजर नहीं होती तो हमें लास्ट में जाना होता है ना, हमें नो एरर पे टिक लगाना होता है। चलिए जैसे मैंने कहा था कि अगर आपको है ना क्वेश्चंस ग्रामेटिकल एरर का शो अगर आपको सॉल्व करना हो तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, तो मैंने कहा था कि हर चीज सेंटेंस में हम जो भी चीज रखते हैं या जो भी वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आना चाहिए। अब देखिए यहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, अब अगर देखा जाए यहां पर सब्जेक्ट कौन है, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में कौन है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, है ना। अब अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ऑब्वियसली बात है सिंगुलर है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और क्लियर करना होगा, हमेशा जो पजेसिव और रिफ्लेक्सिव होते हैं वो हमेशा प्रोनाउन के अनुसार लगाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, टाइम्स ऑफ इंडिया क्योंकि एक नाउन है इसे आपको चेंज करना है किसमें, प्रोनाउन में, है ना। तो चलिए प्रोनाउन में से पहले चेंज कर लेते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इसके लिए प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया गया, इट, ठीक है, तो हम इट मान के चल रहे हैं। लेकिन बच्चों आप यहां पर देखो इसके लिए पजेसिव क्या रखा गया है, अवर इस्तेमाल किया गया है। अवर पजेसिव फॉर्म का इस्तेमाल कब करते हैं, वी के आने पर अवर का इस्तेमाल करते हैं, ही के आने पर हिज का इस्तेमाल करते हैं, माय का आने पर आई के आने पर माय का प्रयोग करते हैं। लेकिन इट के आने पर बच्चों क्या अवर इस्तेमाल होता है, नहीं। इट के आने पर उसका जो पजेसिव फॉर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए,
इट्स होना चाहिए। अब देखो बच्चों, यहां पर जो गलती है वो क्या है, यहां पर अवर का प्रयोग किया गया है और यही इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, है ना। तो हमेशा आपको याद रखना है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट का मतलब केवल वर्ब से समझौता नहीं है। यहां पर एग्रीमेंट का मतलब है कि जो भी वर्ड सेंटेंस में मैं प्रयोग करूंगा उसका रिलेशन किससे होगा बच्चों, सब्जेक्ट से होगा, और हर चीज सब्जेक्ट से होकर गुजरती है, ये ध्यान आपको हमेशा रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम और ऐसी ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक समझेंगे। चलिए, थैंक यू।